नमस्कार, स्त्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। जी हाँ, और आपको बता दें कि एनडीए सरकार के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर खाने की खबर है कि जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी एनडीए में असंतुष्ट है। ये बड़ी खबर है। कल जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई, जिस तरह से जीतन राम मांझी से तेज प्रताप यादव मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद से लगातार सियासी गर्माहट बनी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो शुक्रवार को जन्मदिन था, इस मौके पर जब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, राजद सुप्रीमो से उनकी बात करवाई, तो सियासी हलचल अचानक बढ़ गई। बताया जा रहा है कि लालू यादव और जीतन राम मांझी की 12 मिनट की सियासी गुफ्तगु हुई। अब खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की भी लालू यादव से बातचीत हुई है। उनसे जब इस बाबत मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। बिहार एनडीए में खींचतान के बारे में ऐसा समझा जा सकता है कि जीतन राम मांझी लगातार एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी दल भाजपा पर हमलावर रहते हैं। भाजपा नेताओं के बयान पर वे तुरंत प्रतिकार करते हैं और दलित और मुस्लिम एकीकरण की भी बात करते नजर आए पिछले दिनों। हाल में ही मांझी ने बांका मदरसा बम विस्फोट पर कहा था कि दलित पढ़े तो नक्सली, मुस्लिम पढ़े तो आतंकी, यह नहीं चलेगा। उन्होंने बीजेपी को आंख दिखाई। वहीं मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार को सधे अंदाज में निशाने पर लेते हैं। हाल में ही मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सीएम से अपील की थी। पहले ही टीकाकरण पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होना अनुमानित था, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री बिहार को निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाने की घोषणा की है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को पूर्व की भांति ऐच्छिक कोष की धनराशि खर्च करने की शक्ति प्रदान की जाए, जिससे उनके क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्य और चिकित्सीय सुविधा बेहतर हो। सैनी ने उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री का पहले फैसला सही था, लेकिन अब हालात बदले हैं, इसलिए यह व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। हालांकि एनडीए में घटक दलों की तकरार पर मुकेश सहनी ने कहा है कि सब लोग मजबूरी से एनडीए का हिस्सा है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी, जोड़ तोड़ का कहीं कोई इरादा नहीं है। मुकेश सहनी ने दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और अभी इच्छा भी नहीं है, लेकिन लालू यादव आदरणीय है, बिहार के बड़े नेता है, कहीं मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी 12 मिनट तक गुफ्तगु किए लालू प्रसाद यादव से। अब खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी भी इच्छा जता रहे हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने की। हालांकि उनका पूरा मन है कि अब जिस तरह से मजबूरी में एनडीए में जीतन राम मांझी है, मुकेश सहनी है, ये नहीं चलेगा, मजबूरी में अभी साथ रहेंगे। इनका साफ कहना है कि 5 साल तो सरकार चलेगी, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव अगर उन्हें बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो मुकेश सहनी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां नाराज हैं, एनडीए में असंतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार खतरे में है और लालू प्रसाद यादव ने अपना गेम आखिरकार कर ही दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।